दोस्तों अगर आपके पास भी कार है तो दोस्तों ये वाला गैजेट आपको चाहिए ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों वाला गैजेट क्या है अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं गैजेट से क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों गैजेट जिस काम के लिए है उसी के पास ही हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि गैजेट जो है टायर से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों मैं देखता हूँ आगे वाला टायर मुझे थोड़ा कम प्रेशर है लग रहा है क्योंकि दोस्तों ये पहले से लीक हो गया था। तो चलिए प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। प्रोडक्ट है पोट्रोनिक्स का टायर इन्फ्लेटर, ये वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। इससे पहले हमने पोट्रोनिक्स का मंगाया था कार मोबाइल होल्डर, अब ये पोट्रोनिक्स का हमने ऑर्डर किया है टायर इन्फ्लेटर यानी कि टायर में प्रेशर चेक करने का और प्रेशर देने का। सबसे पहले बॉक्स के अंदर जो था ये वाला इसका मशीन, इसको बाहर निकाल चुका हूँ। उसके अंदर एक बॉक्स है, अब ये बॉक्स को भी मैं बाहर निकाल चुका हूँ। उसमें क्या क्या है सब मैं खोल के आपको दिखा रहा हूँ। पहले तो ये है इसका चार्जर और इसके बाद ये है अलग अलग चीज़ों में प्रेशर देने के लिए और ये कार में प्रेशर देने के लिए स्पेशली कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। सबसे पहले दो है हमें ये वाले मशीन में इसे करना है। यहाँ पे इसका फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। ये पावर बटन है, ये लाइट का बटन है, ये प्रेशर हमें बढ़ाना है या प्रेशर कमाना है, प्लस या माइनस है, और ये यहाँ से प्रेशर हम चेक करेंगे और प्रेशर देंगे। ये है इसका पावर बटन। और यहाँ पर दोस्तों ऊपर की तरफ जो है ये पोजीशन ऐसे इसमें रखेगा। चलिए तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसको लगा देते हैं। इसमें लगाना है ऐसे। अब मैं इसके नीचे ऐसा रख देता हूँ, इसको मैं खोल देता हूँ। इस लगाने के बाद मैं इसको यहाँ पे अब इसको अच्छी तरह टाइट कर देना है। तब तक टाइट नहीं हुआ था, थोड़ा प्रेशर लीक हो रहा था। उसके बाद हमें क्या करना है, लगा देने के बाद में पावर बटन को प्रेस करना है। अब ये पावर बटन हमारा ऑन हो गया और यहाँ पे मोड है, ये मोड है, ये कार में ऑलरेडी है। अगर नहीं होता तो फिर हम मोड चेंज करके हम इसको बदलते। और प्रेशर इसमें 27 है। तो दोस्तों टायर में प्रेशर 32 होना चाहिए। अप टू 4% में ये 28 का प्रेशर रहेगा, 4% से एबव रहा तो ये 36 का प्रेशर रहेगा, और कार में लगभग ये 32 का प्रेशर होता है। ये वैन है, इसमें 8 लोग बैठ सकते हैं, इसलिए ये 36 है। तो मैं इसमें प्रेशर जो है फ़िलहाल तो इसको 28 ही करता हूँ क्योंकि इसमें भी 4 लोग के अंदर ही बैठते हैं, ज़्यादा लोग बैठते नहीं। तो क्या करना, मुझे एक प्लस करना है। प्लस किया तो ये डायरेक्ट 36 हो रहा है, यानी कि इसमें 36 चाहिए क्योंकि 4 लोग ही हम लोग बैठते हैं, इसमें 28 ही करना है। ये प्लस वाला बटन है, ये माइनस वाला बटन है, बढ़ाना है कमाना है। उसके बाद फिर से पावर बटन को दबाना है और ये मशीन चलना शुरू हो चुका है। अब 28 हो गया, ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया। इसे चलता है, ये वाला बटन है लाइट जलाने का, ये लाइट जला देख सकते हैं, लाइट जला। और ये है हाजन लैम्प, इमरजेंसी लैम्प, अगर कुछ प्रॉब्लम है जो कहीं पे आप प्रोसेस चेक करें तो ये वाला ऑन करके चेक करें कि दूसरों को लगे कि कुछ काम हो रहा है गाड़ी में। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।